हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में बेटा हमने सम नंबर 15 देखा था, थोड़ा लेंथी सम था इसीलिए एक ही सम हो पाया था। आज 16 से कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से है, इफ ऐसा करके दिया हुआ है, y इज इक्वल टू x cos a प्लस y एंड प्रूव दैट dy बाय dx cos स्क्वेयर a प्लस y डिवाइड बाय साइन a, a प्लस y डिवाइड बाय साइन a, ऐसा प्रूव दैट करना है। तो पिछले एग्जाम्पल में इस तरह का वर्क था कि भाई हमें प्रूव दैट में कांस्टेंट प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था? कांस्टेंट प्रूव करना था, और ए बी सी कुछ भी यहां पे क्लियरली व्यू दिया है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो y इज इक्वल टू x cos a प्लस y, फ्यूचर में dy बाई dx चाहिए, उसका मीनिंग मैं y को सब्जेक्ट बना दूं सभी में से लेके, ओके, फिर y का विथ रिस्पेक्ट टू x कर दूं तो हो जाएगा। बट y कुछ हिस्सों में जुड़ा हुआ है, दिस इज द एंगल, ओके, और शायद पहला y भी मैंने गलती से लिखा है, y नहीं है cos y, ओके, ये अकेला y नहीं है cos y है, तो ये भी y एंगल जुड़ा हुआ है। तो y सेपरेट हो पाएगा नहीं, पर x इजीली हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, x को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो cos y डिवाइड बाय cos a प्लस y, पता चला, इसको पकड़ के मैं नीचे लेके गया। अब फर्क क्या पड़ा, अभी x सब्जेक्ट है, सभी y सामने हैं, तो मैं dy बाय dx नहीं पर dx बाय dy करूँ। क्या करूँ? dx बाय dy, तो x का विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेशन करना है। क्या करना है? x का विथ रिस्पेक्ट टू y, अभी तक y का विथ रिस्पेक्ट टू x करते थे, तो x का विथ रिस्पेक्ट टू y, दैट मीन्स y ही वेरिएबल है। अब y का अगेन dy बाई डी एक्स करना नहीं, क्योंकि वेरिएबल हमने चेंज किए, जब x होता हो तो आप कुछ नहीं करते, तो वैसे ही y होता है तो इस बार कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम क्या ढूंढने जा रहे हैं, dx बाय dy। चलो सीधा डिवाइडेशन रूल्स लगाओ, तो cos a प्लस वाई पड़ा रहेगा, cos a प्लस वाई डिनोमिनेटर उसका, cos y का क्या, माइनस साइन y, चलो बीच में माइनस, अभी cos y पड़ा रहेगा, इसका माइनस साइन a प्लस वाई, ए प्लस वाई का फिर से करोगे तो a का जीरो और y का वन, वन ना लिखोगे तो चलेगा, नीचे cos स्क्वेयर a प्लस वाई, होल स्क्वेयर आता है ना, ओके, चलो जितना एक्सप्लेनेशन करना था कर दिया। अभी एक्सप्लेनेशन क्या, कि ये प्लस इंटू माइनस तो माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये पहले लिखता हूँ, चलो इसमें भी साइन आ गए, साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई, ऊपर का माइनस, अब पहले कॉस है तो कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, और नीचे क्या, तो कॉस स्क्वेयर ए प्लस वाई, क्या आएगा, कॉस स्क्वेयर ए प्लस वाई, बोलो बैठ गया दिमाग में अच्छे से, ओके। ऊपर कुछ इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, तो साइन एक्स माइनस वाई है, तो उसका इक्वेशन क्या, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, दिस इज द रियल इक्वेशन, ओके, ये इक्वेशन। तो देखो x की जगह पे a प्लस वाई, y की जगह पे तो y ही है, मुझे ये दिया है और ये लाना है, तो अगर इसमें से ये लाना है तो इज इक्वल टू, इक्वेशन तो साइन का ही है, नहीं, इक्वेशन किसका है, साइन का ही है, पर x की जगह पे क्या है, a प्लस वाई, y की जगह पे क्या है, y, बीच में तो माइनस ही आएगा, और नीचे बाय डिफॉल्ट पड़ा है cos स्क्वेयर a प्लस y, इक्वेशन का यूज किया, समझ गए। चलो बेटा y y कैंसिल, तो बचा क्या, साइन a ऊपर, क्या बचा, साइन a, और नीचे क्या है, cos स्क्वेयर a प्लस y,
कॉस स्क्वेयर ए प्लस वाई, ये सब किसके बराबर बात है? डी एक्स बाई डी वाई। मुझे फ्यूचर में क्या ढूंढना है? डी वाई बाई डी एक्स, तो उल्टा कर दो। चलो तो डी वाई बाय डी ए, तो कॉस स्क्वेयर ऊपर आएगा और साइन ए कहाँ आएगा? नीचे। चलो इज दैट क्लियर? यही हमको प्रूव दैट करना था और हो गया। तो ये थोड़ा इजी रहेगा बेटा, एक्स को हमने ऊपर ले लिया, कॉमन सब्जेक्ट बना दिया और वाई के फॉर्म में डेरिवेशन किया। थोड़ा पहले थोड़ा ऑकवर्ड फील लगेगा कि भाई ये किस तरह से, बट फाइनली प्रूव दैट में अच्छा रहेगा। हाँ, उस तरह से भी पॉसिबल तो है ही कि कॉस वाई का माइनस साइन वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, उसी तरह से एक्स पढ़ाइए दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन रूल, जहाँ जहाँ वाई आए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी वाई बाई डी एक्स लगाओ, फिर डी वाई बाई डी एक्स को सभी जगह से कॉमन निकालो और फिर एक्सप्लेनेशन करो, ये भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं, इसमें भी हो ही जाएगा, प्रॉब्लम है नहीं। पर ये थोड़ा अलग तरीके से मैंने किया, आप उस हिसाब से भी घर पर ट्राई कर सकते हो, कोई टेंशन है नहीं। आगे 17 नंबर अगले वीडियो में ही कर दिया था, इसीलिए उसको भूल जाओ। 18 नंबर ऐसा है कि आपको पहले 5.1 सीखनी पड़ेगी। अब लॉक धीरे धीरे, ये मतलब कि कोरोना ज़्यादा चल रहा है इसीलिए अभी 5.1 भी शायद वीडियो में ही चलेगा, कोई बात नहीं। पर 5.1 करने के बाद कुछ दो तीन सम ऐसे हैं एक्सरसाइज में लास्ट के जो पेंडिंग रखेंगे, और जैसे ही 5.1 होगी मैं दोबारा वही मैं करवा दूंगा। ओके, तो अभी 18 पेंडिंग रखो बेटा, 19 का कोई लेना देना नहीं है आगे की सिस्टम से, तो हम 19 कर रहे हैं। 19 11 साइंस का सम है। ओके, 11 साइंस चैप्टर नंबर 4 यूजिंग क्या बोला है? मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से प्रूव दैट करना, एक प्रूव दैट वाला काम दिया है। क्या प्रूव दैट है? तो डी बाई डी एक्स, एक्स की एन पावर, तो पावर आगे एन, पावर में से 1, दिस इज द इक्वेशन, इक्वेशन को प्रूव दैट बोला है। वैसे इक्वेशन का प्रूव दैट आता नहीं है, पर क्वेश्चन के तौर पे रखा है तो करना पड़ेगा। ओके, चलो यूजिंग प्रिंसिपल इंडक्शन मेथड, दैट मीन्स तीन स्टेप होते थे, याद है ना? स्टेप नंबर 1 में LHS इज इक्वल टू RHS, स्टेप नंबर 2 उसमें वैसे ही जस रखना था, और स्टेप नंबर 3 में अगेन LHS इज इक्वल टू RHS। तीनों स्टेप करके यहाँ पे समझाता हूँ। स्टेप 1 क्या होता था? स्टेप 1 n इज इक्वल टू 1 लेते थे। क्या लेते थे? n इज इक्वल टू 1। चलो पहले LHS उठाओ, d बाई डी एक्स, एक्स रेस टू n की जगह पे 1, दैट मीन्स x है, तो x का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेशन क्या? 1। ओके, चलो RHS की बात करो, RHS है ये वाला, n की जगह पे 1, तो 1 x की 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? 1 एक्स की 0, किसी की 0 पावर 1 होती है, तो 1 इंटू 1 आंसर क्या आया? 1। जो LHS का आंसर वही RHS का, तो LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? RHS। बैठा दिमाग में? कोई डाउट नहीं ना? ओके, चलो स्टेप 2, स्टेप 2 में कुछ नहीं करना है, प्रूव दैट नहीं होता, वैल्यू रखनी है। तो स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है कि n इज इक्वल टू k, क्या है? n इज इक्वल टू k, डाल दो इसमें d बाई डी एक्स, एक्स रीज टू k इज इक्वल टू k x के पावर में k माइनस 1, k x के पावर में k माइनस 1। ओके, जस्ट वैल्यू, LHS RHS नहीं। अभी स्टेप 3, स्टेप 3 ऐसा n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो ये प्रूव दैट करना पड़ेगा। पहले लिख दो d बाई डी एक्स, एक्स की k की जगह पे k प्लस 1, n की जगह पे k प्लस 1, ओके, और x के पावर में n की जगह पे k प्लस 1 माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 गया, तो k प्लस 1 x की k पावर, दिस इज द इक्वेशन। ओके, तो हमें ये प्रूव दैट करना है। क्या करना है? ये प्रूव दैट करना है। ओके, चलो तो प्रूव दैट में LHS इज इक्वल टू RHS, तो बोलो LHS क्या है? पहले d बाई डी एक्स, x की k प्लस 1। एक्चुअल में ऐसा है कि पावर आगे पावर में से करो तो एक ही स्टेप में काम खत्म हो जाएगा, पर हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वही तो इक्वेशन प्रूव करने जा रहे हैं। अब वो इक्वेशन जानते थे तो प्रूव करने की क्या जरूरत थी?
इसीलिए हमें उस इक्वेशन का यूज नहीं करना है, बाकी जितने भी इक्वेशन जितने भी रूल्स लगाने लगाओ हम ऐसा एक्सेप्ट करके चल सकते हैं कि बाकी के सभी रूल्स हम जानते हैं, बस मतलब कि ये वाला रूल्स या ये वाला इक्वेशन जानते नहीं है। ओके तो चलो डी बाई डी एक्स, अभी एक काम करो एक्स रेस टू के प्लस वन पावर का सम, तो ऐसे स्प्लिट भी कर सकते हैं ना, एक्स रेस टू के इंटू एक्स रेस टू वन, क्लियर। चलो अभी दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन रूल्स है, किसका रूल्स है, मल्टीप्लिकेशन, वो भी लगा सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन रूल्स क्या है, एक्स रेस टू के पड़ा रहेगा, पहला पड़ा रहेगा तो दूसरे का डेरिवेशन, डी बाई डी एक्स किसका, एक्स का, फिर एक्स पड़ा रहेगा तो डी बाई डी एक्स किसका, तो एक्स रेस टू के का, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन रूल्स। चलो धीरे धीरे सॉल्व करते जाओ, एक्स रेस टू के पड़ा रहेगा, एक्स का डेरिवेशन वन वो लगा सकते हैं, सिर्फ पावर आगे पावर में से कम वाला यूज कर सकते नहीं है, प्लस एक्स पढ़ा रहेगा, एक्स रेस टू के का डेरिवेशन है पर मैं रूल्स नहीं लगा रहा हूं, मेरे पास स्टेप टू में उसकी वैल्यू पड़ी है। ओके इसीलिए लिख रहा हूं, मैंने इक्वेशन लगाया नहीं है, स्टेप टू में रेडी पड़ा है और वो मेरे को क्वेश्चन से मिला है। ओके तो रख दो इसकी वैल्यू के, एक्स के पावर में के माइनस, क्योंकि स्टेप टू को तो यूज करना ही है, हम जानते ही है, समझ में आ गया। चलो आगे की बात, अभी एक्स के पावर में वन है यहाँ पे, चलो पहले एक्स रेस टू के प्लस एक्स के पावर में वन, एक्स के पावर में के माइनस वन, तो एक्स में सम हो जाएगा वन प्लस के माइनस वन, और के तो पड़ा ही है, प्लस वन माइनस वन कैंसल, एक्स के पावर में के, एक्स के पावर में के इंटू के, चलो तो यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, x के पावर में k, यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल 1 तो k बचा ना, अब x के पावर में k इंटू के, तो x के पावर में k कॉमन निकलेगा, तो इधर क्या बचा k, इधर क्या बचा 1। ओके तो देखो हो गया प्रूव दैट जो लाना था वो, चलो अच्छे से लिख दो, तो k प्लस 1 पहले लिखता हूँ x के पावर में k पीछे, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, सिंपल थिंग। ओके अगेन ये वाले सब में एक ही चीज़ समझनी है, हमने x को सब्जेक्ट बनाया था, बाकी सब वैसे के वैसे। नंबर 19 में अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल इंडक्शन मेथड से, तो स्टेप वन प्रूव दैट, स्टेप टू का यूटिलाइज फीचर में होगा, और स्टेप थ्री पूरा मतलब कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस ने उसी मेथड से करना था और इसी मेथड से आगे बढ़ना है। अंडरस्टैंड, क्लियर। चलो अच्छे से हो गया सभी का, ये दो सम हमने आज किए हैं, सभी को उसका होमवर्क अच्छे से कर देना है और लर्न कर देना है बेटा, धीरे धीरे ऐसा ही हम हर रोज़ वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे और कैलकुलेट करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।